क्या हस्तमैथुन से वीर्य की कमी हो सकती है, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। लोग ऐसा बोलते हैं कि हस्तमैथुन मैंने बहुत बार किया है बचपन में और उसके वजह से मेरी वीर्य की कमी हो गई है, या उसके वजह से मुझे बच्चे नहीं हो रहे, या उसके वजह से अभी मैं सेक्स नहीं कर पा रहा हूँ। हस्तमैथुन मतलब मास्टरबेशन, ये जो है ये प्रक्रिया एकदम नॉर्मल प्रक्रिया है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लड़के लोग उम्र के 13-14 साल में जैसे पुरुष बन जाते हैं, मतलब उनमें सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, वहां से उसको एक अंदर से बायोलॉजिकल चेंजेस जब शुरू हो जाते हैं तो अंदर से बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, अंदर से नेचुरल कुदरती ऐसी आना चालू हो जाती है कि उसको लगता है कि अपन कुछ तो भी अलग है नेचुरली, या फिर बच्चों के बाकी दोस्तों के जरिए उसको ज्ञान मिलता है कि भाई लिंग का हिलाने से या लिंग का घर्षण करने से बहुत आनंद मिलता है, और फिर वो ट्राई करके देखता है उसको अच्छा लगता है और फिर वो हस्तमैथुन करना चालू करता है। तो जैसे सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हुए वैसा हस्तमैथुन करना शुरू हो गया। अब सवाल यह है कि हस्तमैथुन से होता क्या, हस्तमैथुन जब करते हैं तब शिश्न जो है उसका घर्षण हाथ के ऊपर हम करते हैं, और घर्षण हाथ के ऊपर करने से बहुत मजा आती है, एक्साइटमेंट होता है, स्टिमुलेशन हो जाता है, और घर्षण करते 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 एक ऑर्गेजम की स्टेज आती है और वो ऑर्गेजम में वीर्य का पतन होता है, बाहर पड़ जाता है। अब क्या है कि टेस्टिकल्स में मतलब अंडकोश जो है तो उसमें स्पर्म्स तैयार होते हैं, वहां से उनकी जर्नी जो है वो पूरी घुमा फिरा के, अभी मैं एनाटॉमी आपको बता नहीं रहा हूं, मगर पूरी घुमा फिरा के सेमिनल वेसिकल्स के जरिए घुमा फिरा के पूरा लिंग तक आती है, उसको रास्ते में काफी सारी ग्रंथियों का सिक्रेशन मिलता है, और वीर्य का इस तरह से तैयार होना ये नेचुरल प्रक्रिया है, नैसर्गिक प्रक्रिया है, कुदरती प्रक्रिया है, वो ऑटोमेटिक तैयार होती है, उसमें कोई कमी नहीं है। मतलब आप हस्तमैथुन करते हैं, आपको अच्छा लगा, आपका वीर्य बाहर आ गया, थैली खाली हो गई, तुरंत हस्तमैथुन नहीं कर सकते, कुछ समय देने के बाद में फिर हस्तमैथुन फिर से कर सकते हैं। आपने फिर से घंटे दो घंटे, वो किसके लिए, दो घंटे का पीरियड होगा कि बाद में उसको एक्साइटमेंट आएगा, किसको हो सकता है कि 24 घंटे का पीरियड होगा बाद में एक्साइटमेंट आएगा, किसको हो सकता है कि 4 दिन का होगा कि बाद में एक्साइटमेंट आएगा, वो कितना भी हो सकता है, एक दिन में 4 बार भी हो सकता है या 4 दिन में 1 बार भी हो सकता है। तो फिर उसमें उसको एक्साइटमेंट आता है, थैली खाली हो जाती है, सेमिनल वेसिकल से सब पूरा वीर्य बाहर आता है और फिर वहां से फिर तैयार होना चालू हो जाता है। तो जितने बार हस्तमैथुन करेगा उतने बार वीर्य बाहर निकलते रहे। मैं एकदम ये बोलता हूँ कि आप जितने बार थूकोगे उतने बार जो अपनी लार है वो बाहर आती है, तो लार जो है सलाइवा उसका कोई स्टोर जो है स्टोर हाउस वो खत्म होता है क्या, वहां से कुछ कम हो जाता है क्या, नहीं वहां से कुछ कम नहीं होता है, कितने भी बार आप थूको तो भी वो तो बार बार आ जाएंगे, फर्क इतना ही है कि डिहाइड्रेशन हो जाएगा और फिर लार आना बंद हो जाएगा, मतलब तैयार होना बंद हो जाएगा कि इतना पानी मैंने फेंक दिया है थूक थूक के कि भी लार तैयार ही नहीं हो रही। हो सकता है कि एक बार हस्तमैथुन किया तो 2-3 घंटे में फिर से पतन होगा नहीं या फिर जाएंगा नहीं, हो सकता है जा भी सकता है और हो सकता है कि जाएंगा भी, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। वीर्य का साठा हम कर नहीं सकते, कोई ऐसा स्टोर हाउस नहीं है कि वो साठा जमा है। लोग क्या बोलते हैं, खत्म हो गया हस्तमैथुन करते करते मेरा पूरे वीर्य खत्म हो गया, मेरी ताकत निकल गई, और ऐसा लिखा है आयुर्वेदा में और कहीं कि एक वीर्य का जो बूंद है वो 80 खून के बूंद के बराबर होता है, और फिर मेरी तो इतनी ताकत निकल गई अब तो मैं कमजोर हो गया, ऐसा कुछ नहीं रहता है। आप जितने बार हस्तमैथुन करेंगे उतने बार वीर्य बाहर आएगा, वीर्य जाने से कुछ कमजोरी होती नहीं है, वो मैन्युफैक्चरिंग चालू रहता है, मरे दम तक चालू रहता है, मरने तक चालू रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि खत्म हो जाएगा, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, और उसमें ताकत कम नहीं होती है, उसमें वीर्य का जो पतलापन नहीं होता, गाढ़ापन नहीं होता, स्टॉक खत्म नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। वीर्य का स्टॉक करने के लिए अपने पास में पेट में ऐसे कोई बड़ी बड़ी ग्रंथि नहीं है कि वहाँ 1-1 लीटर 2-2 लीटर वीर्य जमा हो जाएगा, ऐसा भी नहीं, वो तैयार होता है बाहर निकलता, तैयार होता बाहर निकलता, ऐसा है, इसमें कुछ खराबी नहीं है, ये आपने दिमाग में से निकाल देना चाहिए। तो मास्टरबेशन से, हस्तमैथुन से वीर्य का साठा कभी कम होता नहीं, वीर्य का स्टोर कभी कम होता नहीं, स्टोर हाउस में से कम निकलता नहीं, इतना ही है। लोगों को ये शेयर करो ताकि लोगों में ज्ञान जो है वो सही ढंग से जाएगा। थैंक यू वेरी मच।